वास्तव में जब हम महिलाओं की समानता की बात करते हैं, खासतौर पर महिलाएं जब अपनी समानता की और अपने अधिकारों की और अपने उसकी बात करती हैं, समाज के अंदर अपने एस्टेब्लिशमेंट की बात करती हैं, तो फिर वो उनके बीच में किस तरह की दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें कहाँ से आई हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसके ऊपर चिंतन करना। मेरा ये भी कहना है कि भारतीय नारीवादी खासतौर पर उसको बहुत चिंतन की, बहुत समझदारी की और बहुत ज्यादा शोध की जरूरत है। मगर मुझे उसके साथ साथ ये भी कहना है कि नारीवाद को हम कैसे, समाज कैसे लेता है, हमारे समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी हैं, जो इलीट वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, मध्यम वर्ग है, या जो जिसको हम निम्न वर्ग कहते हैं, वो नारीवाद को किस तरह से लेता है और क्या नारीवाद को उन्होंने अभी समझने की कोशिश करी, क्या हमने नारीवाद को पढ़ने की कोशिश करी, क्या हमने नारीवाद की गहराई में जाने की कोशिश करी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि कभी भी कोई पक्ष एक साथ अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा, औरतें चाहे कितना ही आत्मचिंतन करते वो स्वयं आगे नहीं बढ़े, हम उनके साथ साथ इस पूरी जो विचारधारा है उस आधार पे पूरे समाज को चिंतन करने की आवश्यकता है, तब जाकर के हम समता की तरफ, समानता की तरफ आगे जा सकते हैं। ये मेरा कहना है और मुझे लगता है शायद आपको भी ये कहना था। और ये भी सच है कि औरतों के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, नारीवाद के बीच में बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों के पीछे बहुत कारण है, उन कारणों को जानना, उनको समझना, उनको उन पर काम किए जाने की सब लोगों की बहुत जरूरत है और समझने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है।